पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सागौर थाने को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मारुति वैन से गांजा ले जाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 किलो गांजा, कार सहित 3,50,000 कीमत का माल जब्त किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणन सिंह बघेल को सूचना प्राप्त हुई कि गंधवानी बाग के कुछ लोग मारुति ओमनी वैन से अवैध तस्करी करते हैं। इस हेतु उन्होंने अनुविभाग के सभी थाना प्रभारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सागौर राजन सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर इस कार्य में लगाया गया था, जिस पर थाना प्रभारी सागौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। सिल्वर रंग की मारुति ओमनी वैन से अवैध तौर से गांजा विक्रय एवं सप्लाई करने का काम करते हैं, जो रात्रि करीब 8:30 से 9:30 बजे के बीच कुम्हार भट्टा छोटी सागौर पर अवैध तौर से गांजे की डिलीवरी किसी पार्टी को देने आने वाले हैं, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना सागौर द्वारा कार्यवाही करते हुए कुम्हार भट्टा छोटी सागौर पर नाकाबंदी कर उक्त नंबर की मारुति ओमनी वैन को रोककर ड्राइवर व गाड़ी में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करते एवं वाहन को चेक करते वाहन में पीछे तरफ 2 प्लास्टिक के बोरों में कुल 15 किलोग्राम गांजा होना पाया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।